अच्छा जरा अपने आप को इमेजिन करिए, आप इटली में एक 5-स्टार होटल के फ्रंट डेस्क पे ड्यूटी मैनेजर की जगह में बैठे हैं, हाथ में एक्सप्रेसो सिप करते हुए और गेस्ट को हैंडल करते हुए। हाँ, ये सब कुछ हो सकता है अगर आप होटल मैनेजमेंट कर लेते हैं। देखिए, उन्हीं बादलों की बातें मैं नहीं जानता या ना तो मैं करता हूं जो लोग YouTube पे वीडियो बनाते हैं और कहते हैं कि ये बेकार करियर है, यहाँ 12-14 घंटे काम करना पड़ता है, आप पास करने के बाद 10,000-12,000 की सैलरी मिलती है, आप वेटर बनते हैं। अब देखिए, जिनकी खुद की नॉलेज इस फील्ड में ही इतनी नहीं है, वो क्या दूसरे को समझ देंगे। वैसे वो जो करते हैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता जितना मुझे पता है। वैसे मेरा नाम शेफ रवि सावंत है, अपने बारे में कुछ बताता हूँ। 1996 से मैं होटल इंडस्ट्री में हूँ, लगभग 25 साल शेफ रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव शेफ बड़े होटलों में, फिलहाल जनरल मैनेजर हूँ 2-2 5-स्टार प्रॉपर्टीज का। मैं आपको गलत गाइड नहीं करूँगा, इस बात की आप मेरे से गारंटी ले सकते हैं। देखिए, होता क्या है ना कि बहुत सारे देशों की जो इकोनॉमी है आज की तारीख पे, वो चलती ही टूरिज्म पे है। चलिए, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं और उत्तर प्रदेश में इस समय हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, वो चाहते क्या है कि उत्तर प्रदेश एक पिलग्रिमेज टूरिज्म की तरह आगे आए। वाराणसी को डेवलप किया जा रहा है, अयोध्या को डेवलप किया जा रहा है, मथुरा को किया जा रहा है, आगरा को किया जा रहा है, ताकि ये टूरिज्म हब बन सके। आपको पता है बनारस पे जहां मैं अभी रहता हूं, इस साल यानी कि लास्ट ईयर गोवा से ज्यादा टूरिस्ट आए थे। हाँ, वो पिलग्रिमेज पे आए थे, होली टूरिज्म पे आए थे, पर टूरिस्ट तो वो भी थे, जिसकी वजह से आज की तारीख में बनारस के होटलों में जो रूम रेंट है वो जब राजधानी लखनऊ है वहां से भी ज्यादा है। ये सब हुआ किसकी वजह से? टूरिज्म की वजह से। सो ऐसे कई देश हैं वर्ल्ड के जहां पे टूरिज्म से ही पूरी इकोनॉमी चलती है। इसमें थाईलैंड भी है, मालदीव्स है, स्पेन है, पोर्चुगल है, ऐसे बहुत से देश हैं। यहां पे अगर टूरिस्ट आ जाए तो ये देश बर्बाद हो जाएंगे, भट्टा बैठ जाएगा। बिलीव मी, आई एम टेलिंग द ट्रुथ। तो अब इन होटल सॉरी कट, तो अगर आपको इन जगहों पे जाना है, सो अगर आप होटल मैनेजमेंट करते हैं तो बिलीव मी, इन सब जगहों जाने का आपका रास्ता खुल जाता है। पर आप कह सकते हैं भाई, होटल मैनेजमेंट तो दुनिया के कई देशों में होता है, तो हिंदुस्तानियों को ही कोई खुल जाता है। ये कुछ खास बेनिफिट्स है एक हिंदुस्तानी के होटल मैनेजमेंट करने पे। पहली बात, हर होटल मैनेजमेंट कोर्स पे इंग्लिश कंपलसरी होती है। जिनको नहीं भी आती है, कम आती है, उनको कॉलेज में सिखाई जाती है और आप लगभग ठीक ठाक इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं होटल मैनेजमेंट करने के बाद। ठीक ठाक आपको फ्रेंच भी सिखाई जाती है, तो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज जो हर देश नहीं बोल पाता है वो आपको आती है। तभी हाल ही में थाईलैंड गया था, इससे पहले सिंगापुर जा चुका हूं और भी एक दो देश जा चुका हूं। थाईलैंड में मैं बहुत बड़े होटल में ठहरा था, मगर वहां के स्टाफ इंग्लिश नहीं बोल पा रहे थे, काफी प्रॉब्लम हो रही थी। खाली इंडियंस के साथ ही हो नहीं हो रही थी, यूरोपियंस के साथ भी हो रही थी। सपोज मान लीजिए मुझे थाई आती नहीं थी, उस होटल के अगर स्टाफ को इंग्लिश आती होती तो रास्ता कितना आराम से हो जाता, कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। अब क्योंकि हमें इंग्लिश आती है और हम होटल मैनेजमेंट कर लेते हैं, तो बाहर जाने का, यूरोप जाने का हमारा रास्ता अच्छा खुल जाता है। अब हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो आपको इंटर्नशिप आपकी विदेश में कराते हैं, तो ये भी एक आसान तरीका हो जाता है। आपने फर्स्ट ईयर यहां पढ़ाई करी और सेकेंड ईयर में चले गए बाहर और वहां से कोर्स कर लिया, या थर्ड ईयर में चले गए। मगर अगर सरबा लीजिए आपके पास पैसे कम है, संसाधन सीमित है और आपने हिंदुस्तान से किसी ठीक ठाक होटल मैनेजमेंट कॉलेज से कोर्स किया है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हजार वेबसाइट्स हैं, हजार ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू आप विदेश जा सकते हैं। इतना आसान है होटल मैनेजमेंट करके विदेश जाना कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप गूगल में खाली सर्च कर लें शिप्स के थ्रू, मान लीजिए आप चलिए एक बात भी इमेजिन करिए, आपका जो भी नाम है और आप कार्निवल क्रूज में ट्रैवल करते हैं और इस समय आपका शिप मेक्सिको के डॉक पे आने वाला है, आप पूरा वर्ल्ड की ज्योग्राफी आपके हाथ पे होगी। इतना आसान है, खाली गूगल पे टाइप कर लीजिए, आपको इस सवाल का आंसर मिल जाएगा। सो होटल मैनेजमेंट में कोई समस्या नहीं है, आप आराम से विदेश जा सकते हैं इसको करने के। हजार रास्ते हैं,
उन रास्तों के बारे में अगर आपको डिटेल में जाना है तो मेरे कमेंट सेक्शन पे लिखिए, मैं आपको पर्सनली बताऊंगा कौन से वेबसाइट्स हैं, कौन से एजेंट्स हैं, कौन से करेक्ट रास्ते हैं जहां से आप विदेश जा सकते हैं। बहुत आसान होता है, देखिए जिसको नहीं पता है रास्ता उसके लिए सब कुछ मुश्किल है, जिसको सही रास्ता पता है उसके लिए सब कुछ आसान है। बस रास्ता सही होना चाहिए, रास्ता गाइड सही होनी चाहिए, आपकी गाइडेंस सही, आपकी सोच सही होनी चाहिए, कोई मुश्किल नहीं है। सो जैसे मेरे थंबनेल कहता है, आप बाहर जा सकते हैं तो जा सकते हैं। अब कंक्लूजन में आपको एक बात बता देता हूं, होटल मैनेजमेंट कोर्स आप जब भी करें, जहां से भी करें, अच्छे कॉलेज से करें, मान्यता प्राप्त कॉलेज से करें, और उन जगहों से करें जहां पे अच्छे फैकल्टी होते हैं, वहां का प्लेसमेंट अच्छा होगा, वहां की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अच्छी होगी और आपको काफी मदद मिलेगी इससे। वैसे मेरा नाम शेफ रवि सावंत है और मेरा ये चैनल है हॉस्पिटैलिटी मेंटर, जहां पे मैं आपको होटल मैनेजमेंट और होटल इंडस्ट्री के बारे में बताता हूं। क्योंकि आप होटल मैनेजमेंट में शायद इंटरेस्टेड हैं तो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। मेरा एक और चैनल भी है नाइफ एंड कैमरा, अगर आप हैशटैग सावंत शेफ टाइप करते हैं तो मेरा वो चैनल आपको मिल जाएगा, हो सके तो उसे भी देख लें। अगले वीडियो का इंतजार करिए, मैं अब बात करूंगा अगले वीडियो में कि शेफ कैसे बना जाए, मेरे 5 गुरु मंत्र हैं, उन 5 को अगर आप मान लेते हैं बहुत बढ़िया शेफ बन जाएंगे, बहुत जल्दी बन जाएंगे, जो अगले वीडियो में आएगा। कीप वॉचिंग।